साबिक डीजीसी और डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायरमेंट से पहले भी तनकीद की जद में थे और अब रिटायरमेंट के बाद भी उन पर संगीन इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। नून लीग की तरफ से उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल के मुतालबात जोर पकड़ते जा रहे हैं और उन पर तनकीद अब नून लीग के बयानिये का हिस्सा बन चुकी है। आज भी मरियम नवाज ने उन पर सख्त तनकीद की, मगर मरियम नवाज और नून लीग के दीगर लीडरान की तरफ से मुसलसल तनकीद के बाद आज पहली दफा साबिक डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का मौकफ सामने आ गया है और इस मौकफ में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने अपने ऊपर लगने वाले इल्जाम की तरदीद नहीं की बल्कि जिम्मेदारी साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर डाल दी है। इस वक्त नून लीग का बयानिया है कि जनरल फैज हमीद ने उनकी चलती हुई हुकूमत गिराने में अहम किरदार अदा किया, इमरान खान को लाने में अहम किरदार अदा किया, लेकिन जनरल फैज का दावा है कि 2017 और 18 में वो सिर्फ एक मेजर जनरल थे और क्या फौजी डिसिप्लिन में तनहा मेजर जनरल हुकूमत खत्म कर सकता था। फौज में फैसला सिर्फ चीफ का होता है और तमाम फैसले अदालतों ने किए। आज जनरल फैज हमीद कह रहे हैं कि सारे फैसले अदालतों ने किए मगर उन पर अदालतों को मैनेज करने से मुतालिक भी इल्जाम लगे हैं और इस हवाले से हमने उन्हें सवालात भी भेजे हैं। जबकि दूसरी तरफ मरियम नवाज ने साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद के मुबैना किरदार से मुतालिक उनके कोर्ट मार्शल की हिमायत की और कहा कि उन्हें निशाने इबरत बनाना चाहिए। जबकि वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने इस पर रद्दमल देते हुए कहा कि कोर्ट मार्शल इदारा कर सकता है, सिविलियन हुकूमत नहीं कर सकती। साथ ही उन्होंने जनरल फैज हमीद के भाई के खिलाफ इंक्वायरी से मुतालिक भी अपना रद्दमल दिया। कोर्ट मार्शल जो है वो वजारत दाखिला नहीं करती, वो अदारा ही करता है, जीएचक्यू ही करता है। सियासतदान तो मुतालबा करते हैं और उनके भाई के और उनके सासों के हवाले से जो बातें हुई हैं वो तो एफआईआर के दायरे कार में आती हैं। एक इंक्वायरी एक तहकीक हो रही है, अभी अभी उसमें उस पर बात करना कब्रज वक्त होगा। कोई चीज़ें जो है वो सामने आएंगी तो उसके बाद फिर आपको आगाह कर दिया जाएगा। इन्वेस्टिगेशन के जो अदारे हैं वही कर रहे हैं। मगर साबिक डीजीआईएसआई फैज हमीद का दावा है कि 2017 और 18 में एक मेजर जनरल की हैसियत से वो अकेले कैसे हुकूमत ख़त्म कर सकते थे। फौज में फैसला साजी सिर्फ आर्मी चीफ की होती है। अब अहम बात यह है कि फैज हमीद ने मेजर जनरल की हैसियत से मुल्क में फैसले जनरल कमर जावेद बाजवा की हिदायत पर ज़रूर किए। उन फैसलों में नून लीग की हुकूमत को कमज़ोर करना, इमरान खान के इकतदार के लिए रास्ता हमवार करना शामिल था, सियासी इंजीनियरिंग शामिल थी और उनमें से अक्सर की तस्दीक जनरल कमर जावेद बाजवा भी कर चुके हैं। फरवरी 2021 तक खुद अपने सियासी किरदार का एतराफ़ भी कर चुके हैं। मगर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब जनरल फैज हमीद साबिक वजीर आजम इमरान खान के लिए इतने अहम हो गए थे कि इमरान खान ने मौजूदा आर्मी चीफ यानी जनरल आसिम मुनीर को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाकर जनरल फैज हमीद को आईएसआई का सरबरा लगा दिया, जिसकी वजह यह रिपोर्ट हुई कि जनरल आसिम मुनीर ने डीजीआईएसआई की हैसियत से इमरान खान के करीबी लोगों की बदअनुमानियों की निशानदही की, जिसमें बुशरा बीबी और उनकी दोस्त फराह खान के एक बिजनेस टाइकून से लेन देन के मामला शामिल थे। और ये बात उन्होंने जब वजीर आजम इमरान खान को बताई तो इमरान खान ने कोई एक्शन लेने के बजाय नाराज होकर जनरल आसिम मुनीर को ही ओहदे से हटा दिया और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई लगा दिया। और फिर दो साल तक जनरल फैज हमीद ने मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग की एक नई मिसाल कायम की और उन पर इल्जाम लगे कि इमरान खान की हुकूमत के लिए कानून साजी कराने, इत्तेहादियों को असेंबली लाने, सेनेट इलेक्शन मैनेज कराने, मीडिया मैनेज करने, नैब को मैनेज करने से लेकर खुद वजीर आजम इमरान खान के एतमाद का वोट हासिल करने जैसे अहम और मुतनाज़ा काम किए। और जाहिर है कि जनरल कमर जावेद बाजवा इन तमाम मामला से बरी जिम्मा नहीं हो सकते, मगर फिर जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद के रास्ते भी अलग होते गए और जनरल कमर जावेद बाजवा का दावा है कि इदारे ने सियासी अदम मुदाखलत की पॉलिसी अपनाई और जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई के ओहदे से हटाने का फैसला किया, मगर इमरान खान कोशिश करते रहे कि इदारे इसी तरीके से काम करें, जिसके लिए वो किसी भी सूरत जनरल फैज हमीद को डीजीआईएसआई के ओहदे पर बरकरार रखना चाहते थे। आम बात यह है कि 2017 में जब लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद मेजर जनरल थे तो उन पर नून लीग इल्ज़ाम लगाती थी कि वो मुबैना तौर पर अदालतों को मैनेज करते थे, मनपसंद फैसले दिलवाने के लिए दबाव डालते थे, अदालत के अंदर से भी आवाज़ उठी और उनका नाम लिया गया। और इस मैनेजमेंट की एक मिसाल सहाफ़ी जावेद चौधरी के 29 दिसंबर के कॉलम में देखी जा सकती है। गुज़िश्ता साल के आखिर में सहाफ़ी जावेद चौधरी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से 6 घंटे की तवील मुलाकात की और इस मुलाकात से मुतालिक उन्होंने 27 दिसंबर को एक कॉलम लिखा और फिर 29 दिसंबर को एक और कॉलम लिखकर बताया कि कैसे जनरल कमर जावेद बाजवा, जनरल फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मिलकर मुल्क में मुबैना सियासी इंजीनियरिंग की। कॉलम के मुताबिक हनीफ अब्बासी ने नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान और जहांगीर तरीन के खिलाफ 2 पटिशन दायर की और इस्तदा की कि ये दोनों हजरात आइन के आर्टिकल 62 और 63 के तहत सादिक और अमीन नहीं हैं, उन्हें डिस्कालीफाई किया जाए। कॉलम के मुताबिक जस्टिस साकिब निसार उस वक्त चीफ जस्टिस थे, कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ और फैज हमीद मेजर जनरल और आईएसआई में डीजीसी थे। चीफ जस्टिस ने अपनी सरबराही में 3 रुकनी बेंच बना दिया, समाज शुरू हुई तो इमरान खान और जहांगीर तरीन फंसते चले गए। जहांगीर तरीन ने जनरल बाजवा से राबता किया और इमरान खान को साथ लेकर उनके घर पहुंच गए।
इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुकदमे में मदद मांगी। मियां नवाज शरीफ उस वक्त तक पनामा केस में डिस्क्वालीफाई हो चुके थे और इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन सामने नजर आ रही थी। जनरल बाजवा ने DGC मेजर जनरल फैज हमीद को इमरान खान की मदद करने की हिदायत कर दी। जनरल फैज हमीद ने मुल्क के एक मशहूर वकील को अपना नुमाइंदा बनाकर चीफ जस्टिस साकिब निसार के पास भिजवा दिया। ये वकील साहब लाहौर में चीफ जस्टिस से मिले, इब्तदाई बातचीत हुई और उसके बाद जनरल फैज हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मुलाकात हुई, मगर साकिब निसार इमरान खान और जहांगीर तरीन दोनों को बैक वक्त सादी को अमीन डिक्लेयर करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि मेरे साथी जज नहीं मानेंगे, आप दोनों में से किसी एक को बचा लें। फैसला हुआ कि जहांगीर तरीन को कुर्बान कर दिया जाए, लेकिन फ्यूचर में उनकी बहाली की गुंजाइश जरूर रखी जाए। कॉलम के मुताबिक इसके बाद चीफ जस्टिस को दो वकील दिए गए। उन वकीलों ने इमरान खान और जहांगीर तरीन का फैसला लिखा। 15 दिसंबर 2017 को फैसला सुनाने का ऐलान हुआ। 3:20 पर इमरान खान को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि जहांगीर तरीन मुजरिम करार पाकर सियासत से तहयात ना अहल हो गए। तरीन साहब बैलेंसिंग एक्ट का शिकार हो गए और फिर इमरान खान चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने एक बार फिर जनरल बाजवा के घर पहुंच गए और उनसे फरमाइश की कि हमने जहांगीर तरीन को ज़रूर बचाना है, मैं उसके बगैर हुकूमत नहीं चला सकूंगा। और फिर फैज हमीद को एक बार फिर टारगेट दे दिया गया, लेकिन फिर फरवरी 2018 में इमरान खान का बुशरा बीबी से निकाह हो गया। मार्च में इमरान खान की जनरल बाजवा से तीसरी मुलाकात हुई, उसमें जहांगीर तरीन का जिक्र आया तो इमरान खान ने कहा कि जनरल साहब आप इसको अभी रहने दें, हम फ्यूचर में देखेंगे। जनरल बाजवा ये सुनकर हैरान रह गए और ये इमरान खान की तरफ से उनके लिए पहला धचका था, मगर जनरल फैज हमीद की तरफ से अदालतों को मुबैना तौर पर मैनेज करने का ये एक ही इल्ज़ाम नहीं है। 2017 में जब सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ को नाअहल किया और 2018 में बाकायदा उन्हें एहतसाब अदालत से सजाएं सुनाई गई, तो उस वक्त उन सजाओं के खिलाफ नून लीग ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। फिर जुलाई 2018 में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शौकत सिद्दीकी ने अवामी सतह पर दावा किया कि इदारे उन पर दबाव डाल रहे हैं कि वो नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दें, और बाद में जनरल फैज हमीद का नाम भी लिया कि वो उनके पास ये ऑफर लेकर उनके घर आए थे कि नवाज शरीफ की सजाएं बरकरार रखनी है। होना तो ये चाहिए था कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बयानात की इल्जामात की तहकीकात की जाती, मगर फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी के खिलाफ ही कार्रवाई शुरू कर दी और उन्हें ओहदे से निकाल दिया गया। अपने दिफा के लिए शौकत सिद्दीकी ने जो जवाब जमा कराया उसमें वाजे तौर पर कहा गया कि ISI के अफसर फैज हमीद ने उनसे राबता किया था और उनसे नवाज शरीफ और मरियम नवाज के केस के हवाले से बात की थी और पूछा कि वो इस केस के हवाले से क्या राय रखते हैं। जैसे शौकत सिद्दीकी का दावा है कि उन्होंने कहा था कि वो मेरिट पर केस देखेंगे, मगर फैज हमीद ने जवाब दिया था कि इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। इस दौरान ये भी इल्ज़ाम लगते रहे कि जनरल फैज हमीद अदलिया में मुदाखलत से मुतालिक इतने मजबूत हो गए थे कि वो जजेस की तैनाती से मुतालिक भी दबाव डालते थे। इस हवाले से खुद मौजूदा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्ला ने एतराफ़ किया कि जब वो जजेस की तैनाती से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा थे तो जनरल फैज हमीद किसी को जज लगाने के लिए मरे जा रहे थे और इसके लिए उनसे रब्ता भी किया गया। मेरे साथ तो उनको बात या मैसेज करना नहीं ना चाहिए था जो उन्होंने मेरे साथ सलूक किया था, लेकिन वो मरे जा रहे थे उनके लिए। जनरल फैज किसी को जज लगवाने के लिए मरे जा रहे थे, आपसे भी बात की, हमारे साथ भी रब्ता किया, लेकिन उन्होंने जिन साहब की आपको सिफारिश की थी वो जज तो बन गए। ये बिल्कुल बन गए, यानी ये फैक्ट जो है ये मेरे इल्म में है कि उनका कहां कहां पे तल्लक है। अब अगर वहां से कोई बात होती है तो फिर मैं तो समझूंगा ना कि जनाब ये पीछे फलां साहब हो सकते हैं। मगर जनरल फैज हमीद पर मुदाखलत का इल्ज़ाम सिर्फ अदलिया तक महदूद नहीं है, बल्कि उन पर इल्ज़ाम ये भी है कि उन्होंने पार्लियामेंट में सियासी इंजीनियरिंग का एक मजबूत निज़ाम तश्कील दिया। जब मार्च 2021 में इमरान खान बतौर वजीर आजम एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए तो बाद में ये तफसीलात आईं कि ये कामयाबी भी जनरल कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की मदद से हासिल हुई। इस कहानी की तफसील भी जावेद चौधरी ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद अपने कॉलम में लिखी है और कॉलम के मुताबिक सेनेट में डॉक्टर हफीज शेख के मुकाबले में यूसुफ रजा गिलानी जीत गए। यूँ साबित हो गया कि एस्टैब्लिशमेंट वाकई हुकूमत के पीछे से हट गई है, लेकिन फिर अचानक इमरान खान ने ऐलान कर दिया कि वो 6 मार्च 2021 को एतमाद का वोट लेंगे और एस्टैब्लिशमेंट एक बार फिर इमरान खान की सपोर्ट पर मजबूर हो गई। जनरल फैज हमीद को जिम्मेदारी सौंपी गई और वो 72 घंटे मुसलसल जागकर हुकूमत बचाने में कामयाब हो गए। चौधरी शुजात हुसैन उस वक्त अस्पताल में थे, चौधरी सालिक हुसैन उनको खाना खिला रहे थे, एक फौजी अफसर गुलदस्ता लेकर अस्पताल आए, चौधरी साहब की आयदत की और उसके बाद दरख्वास्त की कि सर बेशक चौधरी साहब अलील हैं, लेकिन आपने कल हर सूरत पार्लियामेंट हाउस पहुंचकर वजीर आजम को एतमाद का वोट देना है।